मोदी सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए लाई गई उज्ज्वला योजना विफल साबित होती दिख रही है। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण से बचने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कनेक्शन बांटे थे, परंतु सरकार की यह परियोजना खासी असर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि इस योजना से प्रदूषण घटाने का लक्ष्य हासिल करना काफी मुश्किल लग रहा है। टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार रिसर्च में सामने आया है कि जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं, उनमें से बहुत कम लोग ही सिलेंडर दोबारा से भरवाते हैं और आमतौर पर सिलेंडर खत्म होने के बाद फिर से चूल्हे का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मई 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार ने साफ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद, सब्सिडी और लोन के जरिए लोगों को स्टोव और LPG सिलेंडर दिए थे। आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री के इस योजना के तहत 7 करोड़ गरीब परिवारों को बीते 3 सालों में स्टोव और सिलेंडर मिले हैं। पर्यावरण और ऊर्जा पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक की टीम ने अपनी रिसर्च में बताया कि सामान्य तौर पर 1000 से 400 LPG सिलेंडर मासिक तौर पर भरवाए जाते हैं। वहीं अगर हम उज्ज्वला योजना के तहत वितरित किए गए LPG सिलेंडर्स की बात करते हैं तो एक माह में 1000 से सिर्फ 100 सिलेंडर ही रिफिल करे जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर रिसर्च करने वाली टीम का आकलन यह है कि इस तरह से सरकार के प्रदूषण घटाने और महिलाओं को सांस संबंधित बीमारियों से बचाने का लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल काम है। वैसे आपको बता दें कि यह स्टडी सिर्फ अभी कर्नाटक के कोप्पल जिले के किए गए सर्वे पर आधारित है। माना यह भी जा रहा है कि देश के अन्य इलाकों में भी हालात इससे बहुत अच्छे भी नहीं होने वाले हैं। मौजूदा सरकार को यह सोचना चाहिए कि सिर्फ एक योजना के तहत LPG बांट देने से प्रदूषण कम नहीं होने वाला है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि LPG के वितरण के साथ साथ गरीब परिवारों को इसका हमेशा से इस्तेमाल करने के लिए परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि वह प्रयोग होने वाले LPG की कीमत को सह सके, जो कि तब ही मुमकिन हो पाएगा जब सरकार गरीबों के विकास के लिए अच्छी नीतियां लेकर आएगी। लेकिन वर्तमान सरकार के संदर्भ में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।